हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कल जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संबंध में 22 तारीख को एक विज्ञप्ति जारी की गई थी कि कितने रिक्त खाली पद हैं जिस पर वर्तमान में सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ अशासकीय सहायता प्राप्त, विषय यह है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रारंभिक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के बारे में। कृपया आप अवगत है कि वर्तमान में प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल में प्रारंभिक और सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही चल रही है। उक्त के संबंध में 23/11/21 को दोपहर 3:30 बजे शिक्षा निदेशालय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भर्ती के संबंध में अग्रिम विचार विमर्श का निर्देश दिया गया है। तो कल जो है 3:30 बजे इसमें बैठक होनी थी और बैठक हुई भी। तो इस तरह से सारी सूचनाओं के साथ सभी को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक होनी है, सबको वहाँ पे सूचनाओं के साथ उपस्थित होना था। तो इसके बाद से आंकड़ा आने के बाद से जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वह चालू हो जाएगी। कल देर शाम को एक विज्ञप्ति और जारी हुई जिसमें आरओ एआरओ की जो एडमिट कार्ड है उसे भी जारी कर दिया गया है। देखिए, 337 पदों पर भर्ती के लिए 5.5 लाख दावेदार हैं। तो 337 कुल पद हैं जिसमें 5.5 लाख दावेदार हैं। 5 दिसंबर को 22 जिलों में होगी यह प्रारंभिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अशासकीय ने समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2021 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर को प्रदेश के 22 जिलों में आयोजित की जाएगी और परीक्षा के लिए इन जिलों में 1214 केंद्र बनाए गए हैं। तो कल आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया। अपना जो एडमिट कार्ड है यह आयोग की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला न्यूज संस्कृत विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली से संबंधित है। जो संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी संविदा, उसी से संबंधित है कि प्रबंधक के बेटे को साक्षात्कार में 80 में से 74 अंक मिले हैं और दूसरे नंबर पर रहे अभ्यर्थी का शैक्षणिक गुणांक 100 लेकिन इंटरव्यू में महज उनको 20 अंक मिले हैं। देखिए, इसी तरह जब इंटरव्यू होती है तो धांधली अच्छी तरह से उजागर होता है। संस्कृत विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली की शिकायत की गई है। आरोप है कि एक प्रबंधक के बेटे को उसी विद्यालय में चयनित किया गया है, उसे साक्षात्कार में 80 में से 74 नंबर दिए गए हैं जबकि दूसरे नंबर पर आए अभ्यर्थी को मज 20 अंक। जिले के अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 21-22 के लिए रिक्त 50 पदों पर संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से आवेदन किए गए थे और 50 पदों के सापेक्ष लगभग 13 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ है क्योंकि 50 पदों के लिए सिर्फ 13 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाए गए, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है। प्रथम पखवाड़े में इसके लिए साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार और शैक्षणिक गुणांक के आधार पर अंतिम मेरिट सूची बनाई गई और जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से 17 अक्टूबर को परिणाम जारी किया गया। अब परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में चयनितों को जमकर नंबर देने और अन्य अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। मेजा निवासी नीरज कुमार जैन का आरोप है कि उन्होंने अपने इलाके में स्थित विद्यालय के लिए आवेदन किया था, उनका शैक्षणिक गुणांक 100 है जबकि साक्षात्कार में महज 20 अंक मिले हैं। वहां चयनित अभ्यर्थी जो विद्यालय प्रबंधक के बेटे हैं उनका साक्षात्कार में 80 में से 74 अंक दिए गए जबकि उनका शैक्षणिक गुणांक महज 47। अब देखिए कितना अंतर है कि उनका शैक्षणिक गुणांक महज 47 है और इनका 100 था। इसी तरह का मामला अन्य विद्यालयों में भी सामने आया है जिन पर अभ्यर्थियों का शैक्षणिक गुणांक अधिक है, उन्हें पहले नंबर पर चयनित अभ्यर्थी के मुकाबले साक्षात्कार में बहुत कम अंक दिए गए हैं। नीरज का आरोप है कि साक्षात्कार में जमकर धांधली हुई है और नीरज का दावा है कि उन्हें TGT 2021 में 115 अंक और जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा में 121 अंक मिले हैं। नीरज ने मामले की शिकायत शिक्षा निदेशक से की है और उन्होंने मांग किया है कि जारी सूची को निरस्त कर फिर से सूची जारी की जाए। तो यह सही भी है, इस तरह से साक्षात्कार होंगे तो उसमें इस तरह की धांधली देखने को अवश्य ही मिलेगा।
अगला न्यूज़ टीटी को लेकर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ होगा मुकदमा। 28 नवंबर को प्रस्तावित राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी को लेकर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है और इसमें DGP का नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम करने का आग्रह किया गया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने DGP को लिखा है पत्र। अब देखिए कि क्या होता है जिस दिन परीक्षा होता है। अगला न्यूज़ प्राइमरी शिक्षक भर्ती से संबंधित है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा विधानसभा। पुलिस ने बलपूर्वक बसों से भेजा इको गार्डन और दिन भर हंगामा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हुई झड़प। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को सही तरीके से लागू कर नियुक्ति देने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने मंगलवार को विधान भवन का घेराव किया और प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक बसों में लादकर इको गार्डन भेज दिया, लेकिन बस से उतरते अभ्यर्थियों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई और हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठियाँ फटकार कर प्रदर्शनकारियों को काबू किया। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने आरक्षण को सही तरीके से लागू करने की मांग को लेकर ही प्रदर्शन किया था। अगला निर्णय सीधे ग्रेड 2 पर हो सकेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को योगी सरकार ने बूस्टर डोज दी है। नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत के साथ अस्पतालों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाएं देने के लिए सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए नियमावली प्रक्रिया में संशोधन किया और इसके तहत उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य नियमावली 2020 नामक एक संशोधित सेवा नियमावली का गठन किया गया। इस नियमावली के तहत 15 विधाओं में कुल 8,431 विशेषज्ञ चिकित्सकों के लक्ष्य अनुसार सीधे ग्रेड 2 पर भर्ती की प्रक्रिया की जा सकेगी। पहली बार एक साथ हुई है चिकित्सकों की सीधी भर्ती, तो सीधे ग्रेड 2 पर हो सकेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़े तमाम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए।